रोटी खाते हैं तोड़ के, बात बोलेंगे फोड़ से। नीतीश जी ने सब चीज किया लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, टीचर की बहाली अभी तक नहीं की है, हम लोग ग्रेजुएट करके बेरोजगार बैठे हुए हैं। पकड़ के ले जाता कदमावादी है, ये कहकर फंसा देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम तारापुर विधानसभा क्षेत्र के बड़की हथिया गांव में हैं। ये जो इलाका है ये एक तरह से कहें कि जंगली इलाका है और मतलब कभी ये इलाका माओवादी प्रभावित भी रहा है। लोग बोल भी रहे हैं कि माओवादी कह करके सरकार जो है बहुत सारे लोगों का उत्पीड़न करती है और ये सिलसिला अब भी जारी है। लोगों की शिकायत है कि जो पहाड़ पे ये लोग काम करते थे वो उससे रोक दिया गया, जिससे इनकी जीविका छिन गई और ये बदहाली की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। हम उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोच रही है ये जानने आए हैं और यहाँ की जनता से ही जानते हैं कि उपचुनाव में क्या फैसला सुनाने वाली है। ये बताइए कि क्या फैसला सुनाएंगे अभी आप लोग? अभी तो हम कुछ फैसला नहीं सुना सकते, ये तो पूरे समाज की बात है, ये तो पर्सनल बात है ही नहीं मेरी सर। इसको समाज जो चाहेंगे वही होंगे, समाज चाहेगा जो होगा। लेकिन अभी जब वोट आरजेडी की सरकार चाहिए जो वैकेंसी दे, हम लोग को रोजगार दे, हम लोग ग्रेजुएट करके बैठे हुए हैं, कोई बेरोजगार नहीं है। देखिए हम वोट तो सब किसी को भी दे देंगे, एक वोट मेरा है, हम आरजेडी को या तो किसी को भी दे देंगे, दोनों बढ़िया है। और एक की कमी है कि नीतीश जी ने सब चीज किया लेकिन शिक्षा पे ध्यान नहीं दिया, टीचर की बहाली अभी तक नहीं की है, हम लोग ग्रेजुएट करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, ग्रेजुएट करके शिक्षा के माध्यम में उसकी थोड़ी सी कमजोरी है, वो आरजेडी हम लोग को लाएगा। तो मतलब बदलाव करेंगे उसने, उन्होंने कहा था कि 19 लाख वैकेंसी देंगे जिसने अभी तक 24 मात्र वैकेंसी दिया है, मात्र 24 वैकेंसी दिया है। कहाँ नहीं वैकेंसी तो कह रहे हैं कि लगातार निकाल रहे हैं, कहाँ निकाला अभी तक? ओनली 24। एसएससी वाला 2 एग्जाम हुआ था 2013 में, अभी तक उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है, ज्वाइनिंग क्या करवाएंगे? तो मतलब क्या सोच क्या रहे हैं? सोच रहे हैं कि अभी तेजस्वी की सरकार होगी और टीचर की बहाली होगी, हम लोग क्वालिफाई होंगे। ये बताइए कि तेजस्वी जी की सरकार कैसे बन जाएगी? कोई समीकरण है जिसके आधार पर कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बने? समीकरण पूरा समाज बोल रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे? पूरा समाज बोल जी, मतलब बदलाव होगा होना चाहिए। महंगाई को लेकर क्या सोच रहे हैं? महंगाई तो ऊपर से है, इसमें किसी की तो दुर्नीति वाली बात नहीं है, ऊपर से ही महंगाई है। महंगाई तो आरजेडी और ये तो नीतीश बाबू और लालू बाबू तो किए नहीं, वो तो ऊपर से महंगाई है। मोदी जी जो सपना दिखाए थे पूरा किए कि नहीं? नहीं किए, नहीं किए। 2024 में मतलब? और रही बात महंगाई की, तो महंगाई बराबर है, बोल रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, तो जिस टाइम आज से 10 साल पहले अगर 5 रुपया केजी अगर चावल था, 2 रुपया केजी अगर आलू था, तो उस टाइम पेमेंट भी 50 रुपया मजदूरी था, आज मजदूरी 300 रुपया है, तो उसके आधार से भत्ता भी बढ़ रहा है, तो महंगाई बढ़ी नहीं है। बस इसको समझने का फेर है। आपके यहाँ उपचुनाव हो रहा है तो 30 तारीख को आप वोट डालेंगे, तो क्या सोच रहे हैं? डालेंगे क्या भी? डालेंगे वोट जी। तो मतलब कौन सी पार्टी आपको अच्छी लग रही है? पार्टी जो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, जो 10 चलेगा उधर ही चलेंगे, 10 चलेगा उधर। हाँ, लेकिन ये तो हुआ कि कहते हैं अपना मतदान है। हाँ। तो मतदान मतलब लोकतंत्र में ये है कि आप अच्छी पार्टी को डाले वोट, अच्छे नेता को चुनाव करें, तो आपके नज़र में कौन सा अच्छा नेता है? अभी नज़र में सर नहीं मालूम चल रहा है। तो अब कब चलेगा? 2 ही दिन बचे हैं, 3 दिन बचेंगे, तो हम लोगों का जब 10 चलने वाला है ना, उसका बाद हम लोगों का चलना स्टार्ट करेंगे, किधर चलना है वो अपने आके, जैसे आप आए समझाने के लिए वैसे हम लोगों का समझाएगा। हम तो समझा नहीं रहे हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस पार्टी को वोट डालिए, समझाना उसको कहते हैं कि जिसको किसी को मतलब हो, हमको उससे क्या मतलब है? हमको इस बात से मतलब है कि आप क्या सोच रहे हैं, जनता क्या सोचती है, हमको इस बात से मतलब, हमको इससे मतलब नहीं है कि आप किसको वोट डालेंगे, उससे मतलब नहीं है। तो बताइए ना कि मतलब गाँव वाले लोग जो हैं, आपके साथी लोग हैं और सब, क्या चर्चा है? अभी चर्चा को मालूम पता नहीं चल रहा है, हम लोग भी बाहर खटने वाले आदमी हैं, वोटिंग वाटिंग के विषय हम लोगों का उतना नहीं रखते हैं, जब 10 ग्रामीण घुसेगा जहाँ देना है उसी बात पर हम लोग चलना है।
नहीं वो तो ठीक है, तो चर्चा तो होती है ना गांव में। चर्चा अभी कोई, अभी मुखिया के इलेक्शन में अभी कोई चर्चा ग्रामीण में कुछ हो ही नहीं रहा है, हो रहा है ना सब टोटल सब मुंगेर चला गया है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन हाँ। इसकी भी चर्चा होती होगी ना कि कौन नेता अच्छा है। नहीं वो चीज़ का नहीं चर्चा हुई है, अभी कोई चर्चा नहीं। मतलब कौन सा नेता अच्छा लग रहा है? नेता सब अच्छे है, सब नेता अच्छे है, सब नेता कौन सी गरीबी अथी देते रहा है, वृद्धा पेंशन दे ये रहा है, तो सब तो अच्छे है, किसका हम खराब बोले? हाँ हम कमाएंगे वही खाएंगे हम, और नहीं है तो भूखे रहेंगे। हाँ अच्छा बोले कि खराब बोले? नहीं अच्छा बोले, हम अच्छे उम्र हैं। तो अभी मतलब इसके बारे में बताइए ना, इसके बारे में तीर या लालटेन? लालटेन में देंगे, लालटेन में देंगे, लालटेन में देंगे। मतलब बदला हुआ है अभी? हाँ क्यों, मतलब लालटेन में क्यों देंगे, कोई वजह तो हो? नहीं वजह तो दस पंच तो जान रहा है ना, बोल बारे में बोलेंगे ना। हम तो बोलिए हम तीर में देगा, तीर में। आप बताओ क्या चल रहा है, मुद्दा क्या है अभी यहाँ? हम लोग का सर गरीबी यहाँ ज्यादा, पूरा हालत खराब है यहाँ का, और जो है सब जंगल झाड़ से लकड़ी झूरी पत्तल वगैरह बेच के जो है ये करता है दतन पानी, और बांस बेतरी भी हम लोग कमाते हैं, और तो कुछ यहाँ तो बहुत स्थिति खराब है एकदम से, पूरा का पूरा। हम लोग लालटेन में देने जा रहे हैं, लालटेन में हम लोग देंगे जो भी होगा। मतलब इसकी वजह क्या है? वजह क्या है, यहाँ का कोई देखने वाला है नहीं, कोई देखने, हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं, माओवादी का फंसा देता है जेल में, भेज देता है ऐसे दारू तारू पे लाके, उसको न मानते हैं न गदानते हैं, तो कहते हो तुमको ऐसे कर देंगे। लो अब सब बात कहने पर चलना पड़ता है, मतलब जोर जबरदस्ती यही फंसा देता है लोग को। अच्छा यहाँ ये बताइए कि शराब सरकार ने बंद कर रखा है, तो शराब बंद है कि नहीं? शराब कुछ बंद भी है, कुछ ऐसे नुका छुका पे भी चल रहा है। चल रहा है, शराब बंद है, शराब बंद है कि नहीं? नहीं अभी बंद है। शराब बंद नहीं है सर, यहाँ सारे सगर इंडिया में चलता है सर शराब, छोटा छोटा बच्चा खराब हो गया शराब के लिए, शराब पीता है, छोटा छोटा बीड़ी सिगरेट दारू पिलाता है, वो सब कमाता है, अभी नहीं बच्चा सब बहुत बदमाशी करता है, खाली शराब पी के रहता है बच्चा लोग। हाँ बच्चा लोग के सब सारे साथी में इंडिया में खाली शराब पीता है कोई। लेकिन यहाँ तो शराब बंद है, सरकार कितना भी करता है ना तब भी बनाता है, लेकिन शराब तो बंद है ना? नहीं बंद है सर, इधर नहीं बंद है, नहीं बंद है, नहीं इधर नहीं बंद है, नहीं बंद है सर। चाहिए बताइए कि आप लोग कहाँ वोट डाल रहे, किसको, किस नेता को चुन रहे हैं? लालटेन में, लालटेन में, लालटेन में क्यों डाल रहे हैं, क्या वजह? देगा लालटने में, लालटन में क्या क्या वजह, मतलब उसकी वजह क्या है? क्या भूखे मरता है इसीलिए लालटन चलाता है, पेट लालटन चलाता है। हाँ अभी तो सरकार तीर की है, नीतीश जी की सरकार है, लालटेने में देगा, लालटेन में देगा। हाँ। हाँ। आप बताइए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब अभी वोट होगा, ये चल रहा वोट अभी होगा तो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में? सोच रहे हैं, सोचना मतलब जिसका मन होगा देंगे, लालटेन में चाहे तीर में, तो दोनों में कौन अच्छा, मतलब कौन अच्छा है? तो अच्छा है ललुए, ललुए लालू क्यों अच्छा है? अच्छा वो बहुत अच्छा था, बहुत काम, बहुत काम देता था, सस्ता भी दाल चार तरकारी मर मसाला सब चीज सस्ता करा। हाँ काम बहुत दिया गरीब लोग का, अखनी बहुत गरीब को मरण दे दिया, महंगाई बहुत हो गई, बहुत हो गया, 200 रुपया किलो कड़ुआ तेल खाते हैं, 40 रुपया परवल खाते हैं, 60 रुपया बैंगन था, तेल होगा खाली डब्बा खाते हैं, इतना महंगी कर दिया है। 26-30 रुपया किलो चावल देता है, कैसे गरीब बचेगा? जैसे स्कूल पढ़ता है खाली मातबर आदमी को पढ़ाता है, गरीब आदमी ढनकते रहता है, पैसा नहीं है, पैसा खिलाएंगे कमाएंगे, देखिए गरीब का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, कहाँ जा पा रहा, कहाँ है पैसा है? ये हम पोशाक दे रहे हैं, खाने के लिए स्कूल में दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा है सरकार।
आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपका वोट बात बोला आप की बोलेगा हम सोचेगा यार। ये तो अपने बारे में बताए आप, अपने बारे हम तो लालटेन में देगा, कहाँ देगा लालटेन में, क्यों देंगे, क्या देगा, जहाँ हमको फायदा होगा देगा उसको, लालटेन में देने से फायदा है। हाँ क्या हम बोलेंगे, जो समाज चाहेगा वो हम भी चाहेंगे। समाज क्या चाह रहा है? समाज चाह रहा है तेजस्वी को, तेजस्वी को देंगे। दिन प्रतिदिन हम लोग गरीबी हालत हो रहा है, पढ़े लिखे लड़का लोग बच्चा लोग सब भटक रहा है, कोई रोजगार नहीं दे पाता है। तेजस्वी को सिर्फ यादव लोग चाहते हैं या सभी समाज के लोग चाहते हैं? सभी समाज चाहते हैं, सभी समाज चाहते हैं। आप किस समाज से आते हैं? हम भी चाहते हैं उसे उन्हीं को। नहीं, आप किस समाज से आते हैं? यादव से आते हैं। आप क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पर ये चल रहा है सर, गरीबी चल रहा है, इसमें देखिए रहे हैं, बच्चा पुत्र स्कूल नहीं जा रहा है, पहाड़ जो हम लोग को खुला रहता था उसमें गिट्टी वगैरह फोड़ते थे, दो पैसा उसमें होता था तो बाल बच्चा स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब वो समस्या है नहीं। यहाँ तो सब पहाड़ पे रोक लग गया है, रोक लग गया, देखिए ना बंद है, बंद है, बंद है, पकड़ के ले जाता कतम माओवादी है, ये कहकर फंसा देता है। कितने दिनों से बंद है? बहुत दिन से, जब से लालू चला गया बेचारा तब से हम लोग भीख मांगते चल रहे हैं। लालू चले गए तब से? तब से भीख मांगते चल जा रहे हैं। तो बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव करेंगे ना, बदल तो लाएंगे ही, जैसे भी लाना है बदल देना, बदल देना इसको। नीतीश जी अच्छा काम नहीं किए 15 सालों में? क्या किया है? कुछ नहीं, वो तो यार ले देख चौपट बढ़ गया, मिलता था खाना स्कूल में, वो सुनते स्कूल में मिलता था खाना खिचड़ी वगैरह वो भी बंद, चावल देता था आंगनबाड़ी लोग वो भी बंद, पैसा छात्रवृत्ति बंद मिलता था वो भी बंद। ये तो कह रहे कि हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे हैं, पोषण दे रहे हैं, पोशाक दे रहे हैं, लड़कियों को साइकिल बांट रहे हैं, जिसको पैसा मिला उसको उसको जीत होता है, हम लोग जीतने करने जाएंगे, हम लोग जिसको वोट देना उसी को वोट देना है। नहीं वो तो ठीक है, आप जिसको भी वोट दीजिए, लेकिन ये बताइए ना कि मतलब हम पूछ रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि हम लालटेन में वोट देंगे तो उसकी अच्छी बात क्या है, किस वजह से देंगे? अच्छी बता तो उसका उस टाइम बढ़िया काम किया हम लोग के बीच में, इंदिरा आवास दिया बहुत, चौवाला दिया, ये सब जो है बच्चा बुतरों का पोशाक वगैरह था, वो वृद्धा पेंशन भी बहुत तेजी से बढ़ा था, सही टाइम पर, यानी किस टाइम उसको देना है उस टाइम पहुंच के खुद अपने से ये कर देता था। आप बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं, अभी चुनाव होगा तो कौन सा मुद्दा है जो आपके वोट को प्रभावित करेगा, क्या सोच के वोट डालेंगे? वोट डालेंगे सोच के हमको ऊपर देखना है, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव का क्या यही मुद्दा है? लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव को मतलब क्या देखना है? उसके रीजन काल में जो है ना बहुत सा गिफ्टे होता था, सारा प्रक्रिया जितना जनता को चाहिए उतना मिलता था। अच्छा ये बताइए कि आप जागरूक आदमी हैं तो ये जो इलाका है, ये जो इलाका मतलब क्या नाम है इस इलाके का? बड़की हथिया। तो इस इलाके में कौन कौन कास्ट के लोग रहते हैं? संथाल हैं, टूरी साहब हैं, उधर यादव जी हैं, ये सब बिल्डर वगैरह, बिंद वगैरह। आप किस जाति से? हम तो यादव जाति हैं। यादव आप भैया? हम भी टूरी हैं। टूरी जाति। अच्छा। तो ये बदलाव मतलब सब कास्ट के लोग जो है लालटेन में कर रहे हैं? जी हाँ, सब खुल करके मतलब ये से मतलब नहीं कि कौन कास्ट है, लेकिन उससे मतलब नहीं, मतलब है कि मतलब हम लोग टोटल मिल के एकदम उसी को कर रहे हैं। जितना भी यहाँ सौ है, संथाल है, यादव है, तूरी है, कोड़ा है, संथाल है, जो भी यहाँ पे तांते वगैरह जितना भी सब इसमें हम लोग का वोट डाल रहे हैं, क्योंकि उसका ये इलाका है, उसका ये मतलब बना हुआ चीज है, आज बिगड़ जा रहा है तो हम लोग उसको फिर से आ गया कैसे हम लोग उसको संभालने का काम करेंगे। क्या सोच रहे हैं आप? हम तो सोच रहे हैं लालू यादव को ही जिताएंगे। क्यों, यादव हैं आप? हाँ यादव हैं, इसीलिए इसलिए कि जो है नीतीश का देख लिए। हाँ उसका जी को आप वोट दिए थे? हाँ दिए थे। कब है? कब दिए थे? लेकिन भी मतलब लालटेन अभी लालटेन यहाँ टोटल पड़ेगा लालटेन।